हाँ कम आप जी डाल रहे हैं ना, मिर्ची डाल रहे हैं हम। ये 5 किलो बनाते हैं और 5 किलो में हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो भी मिल जाएगा उसको। अच्छा, ये इसको गर्म करते हैं तो ये आ ही जाता होगा रोगन वोगन तो है ना। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आज हम आए खंगाना लाल मांस टेक अवे। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का अचार, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं हल्दी। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, तो हम आपको फुल मेकिंग दिखाते हैं। तो चलो फिर हम चलते हैं किचन में और आपको मटन का अचार की फुल मेकिंग दिखाते हैं। आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। हम आपको बिल्कुल देसी स्टाइल के अंदर मटन का अचार बना के दिखाएंगे। तो हम पहले चूल्हे को जलाते हैं, फिर मेकिंग स्टार्ट करते हैं। हुकम आप हल्दी जमाएंगे। अच्छा है ना, उसको सूखा भगोला में डाल रहे हैं चूल्हा के ऊपर, ऐसे कर रहे हैं है ना। हाँ हुकम, नमक डाल रहे हैं। अब इसका पानी सुखाओगे हैं? पानी सुखाएंगे, पानी छोड़ रहे हैं ना, उस पानी को सुखा रहे हैं ना अंकल। जैसे 750 ग्राम मिर्च ले ली, 5 किलो, 350 ग्राम हल्दी ले ली, ठीक है, 2 किलो घी, 2 किलो, हाँ सर, ठीक है, और 50 ग्राम सूप, 50 ग्राम कलौंजी और 50 ग्राम काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हाँ सर। और इसमें पानी सूखा कि नहीं अभी तक? सूखा। तो अगर ये इसी पानी में पक जाता होगा? हाँ, इसमें पकता होगा। साठ परसेंट पक जाएगा। खाने के लिए है क्योंकि जैसे 2 आदमी खा रहे हैं, हाँ, तो 2 गिलास पानी का गर्म कर लो। पानी उकल जाए तो उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दो। धनिया पाउडर उकलने बाद में उसमें से 2-4 पीस और इसका मसाला होता है ना साथ में, वो लपटवा लेके उसमें डाल दो। डालने बाद में वो उकल जाए ना, जब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दो। पेस्ट डालें कि नहीं डालें? हैं, पेस्ट डालना है, पेस्ट डालना है, लहसुन का अदरक का पेस्ट, हाँ, पेस्ट डालना है, डालना पड़ता है, पेस्ट डालना है, बाद में उतार के खाना खा लें। थोड़ी तो पहली बार टेस्ट तो बढ़ जाए, पहले नहीं डालना, गरम गरम काली मिर्च डाल दी इसमें। हाँ कम आप जी डाल रहे हैं ना, तो अंकल 5 किलो में 2 किलो घी जाता है? हाँ सर। घी का फैट है ना, गाय के घी में कभी फैट आता है, सही करो, लो फैट आता है।
फेट आता है भैंस का अंडा जरूर आएगा। अभी सर ये पहले अपने दादो साह वगैरह होते थे ना, तो वो जमाते थे ओल्ड, मतलब आज से 30-40 साल पहले मान लो टेक्नोलॉजी अभी आई है, उससे पहले वाले टाइम में ऐसे खाते थे इसको, हल्दी को इसको जमाया जाता था। और पहले घर पे होता था घी, तो कोई ज़रूरत नहीं होती थी बाहर से। अभी तो अपन डब्बे वगैरह का यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल घी तो मिलता नहीं है। जिसको बनाते हैं जमा के रखते हैं सर्दियों में, दिसंबर जनवरी हो गया, फरवरी थोड़ा सा मेड ले लो आप, इतना चलता ही है। सर्दी अच्छी पड़ती है तो आगे तक भी चल सकता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और कितना बनाते हो? ये 5 किलो बनाते हैं, और 5 किलो में हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो भी मिल जाएगा उसको। अच्छा, और क्या रेट है? 1500 रुपये के जी है। अच्छा। 1 किलो की। और देसी घी में रहता है? हाँ, देसी घी के अंदर रहता है। और मटन का रहता है। और कितने टाइम तक ख़राब नहीं होता है ये? आपके 2 महीने ले लो, 2 महीने 2 महीने तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसको बाहर रखो आप। इसलिए इसको सर्दी में जमाया जाता है, सर्दी में जमाया। हल्दी बोलते हैं 350 ग्राम हल्दी है ना अंकल? मिर्ची डाल दे हम। डालेंगे। अच्छा, आकड़ी डाल देंगे। भैया प्रॉपर जो देख सकते हो आप, प्रॉपर हल्दी जमाई जा रही है यहाँ पर, मतलब अभी तो बनाई जा रही है, फिर जमाया जाएगा। सही बात है। हो गया अंकल जी? हो गया सर। गया अब उतार नहीं होता। चलिए यहाँ से ठीक सब का मोटर आता है आराम से।